बहुत अच्छी फिल्म थी। सलमान भाई भी एक नंबर लग रहे हैं, देखने लायक फिल्म है। बहुत अच्छी फिल्म है देखने लायक। एक्शन भी हाई है और एक्शन अच्छा था, लेकिन इसका जो ट्विस्ट है ना मूवी का अच्छा नहीं था। पावरफुल एक नंबर। कैसी लगी बहुत अच्छा मूवी है। हदम बहुत गजब लगे, बहुत हदम फिट। सुपर हीरो भाई अच्छा लगा। फिल्म कैसी लग रही है? अच्छी है भाई, मस्त है, अच्छी है। कैसी लगी भाई? बढ़िया बढ़िया। भाई के लिए देखो, भाई के लिए, भाई के लिए देखो, एकदम जय भाई। मस्त भाई, मस्त मस्त मस्त, बढ़िया बढ़िया। एक नंबर पूरा भाड़ा रहा भाई, एकदम हार्ड हार्ड हार्ड। कैसे? बहुत हार्ड भाई, बहुत हार्ड। कैसी लग रही फिल्म भाई? बहुत अच्छी थी, बवाल थी भाई, बहुत अच्छी थी। सुपर। कैसी लग रही फिल्म भाई? सुपर है भाई। सलमान भाई के बारे में? हां एकदम ऑसम है भाई सलमान तो। कैसी लग रही फिल्म? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कैसी लग रही भाई फिल्म? ओके ओके। कैसी लग रही फिल्म? एक नंबर। सलमान भाई के बारे में क्या? एक नंबर, एक नंबर। कैसी लग? बहुत अच्छा भाई। बेस्ट क्या लगा फिल्म में? अच्छा अच्छा, सुपर हिट, सुपर हिट, सुपर हिट। सलमान भाई बिल्कुल बराबर। एक नंबर लगा भाई, मजेदार है भाई। फैमिली के साथ देखो, एक्शन है पूरा, फैमिली को लेके आओ, अच्छी है मूवी। एक नंबर सलमान भाई, प्लस वो नए छोकरों को लेके आए भाई, तीन को मौका दिया, लेकिन उनका भी एकदम भाई ऑफ। पहले तो उसका भाई की वो होती है एंट्री, फिर तीनों की बाइक से होती है। एक नंबर मूवी है भाई। एक्शन वगैरह कैसा? एक नंबर एक्शन भाई का तो एक्शन होता ही है ना भाई मूवी। एक नंबर भाई, मूवी के फैन नहीं है भाई, भाई के फैन है सब लोग, भाई के फैन। चलेगी ना 2025 आप लोगों का? अरे सलमान भाई की, किसी का भाई, किसी की जान आई है। कैसी लगी ईद के मौके पे सलमान भाई ने क्या लगता है ईदी दीदी का? नहीं ईदी तो ले ली और ईदी दीदी, लेकिन एक बात ये है कि भाई वो किसी का भाई किसी की जान नहीं, वो हेटर्स के भाई है और हम सब फैंस की जान है भाई। क्या लाइन बोलिए, फिल्म के बारे में बात करते हैं, फिल्म कैसी लग रही है? देखो भाई मैं क्या बयां करूं, अब बयां तो ये देखो, ये सब लाइन कर रही है, पूरी लाइन कर रही है सलमान भाई के लिए जो आया ना, ये पूरी लाइन बयां कर रही है कि भाई मतलब जैसा बादशाह बॉलीवुड के लिए लाइन लगी थी ना पठान में, या बॉलीवुड के इक्के ने लगा दी भैया, बॉलीवुड का इक्का मतलब एक ताज के पत्ते होते ना, एक बादशाह अरे किक्का, और हम जैसे जोकर फैंस होते तो पूरे गेम को बिगाड़ के रखते हैं। सो ये बात होती है। तो अभी आपने बॉलीवुड के इक्के के बारे में बात कर दी है, तो बॉलीवुड का इक्का सलमान खान 4 साल के बाद बड़े पर्दे पे आया, कैसा लग रहा है धुएंदार? कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, आप पूरी लाइन देख लो यहाँ पे, कैसा लगेगा। मतलब हम सोच में नहीं थे कि मतलब इतना अच्छा सरप्राइज मिलेगा, जब टीजर आया, ट्रेलर आया, भाई के इतने सारे सॉन्ग है। हाँ मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, सॉन्ग इतने ना कि हजम नहीं होंगे आपको। मतलब ये दबंग दिल की तरह सीन हो रहा है, एक्शन कर रहे तो गाना आ जा रहा है, थोड़ा रोमांस कर रहे तो एक गाना आ जा रहा है। मतलब ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए था, एक दो गाने। और हरीन सिंह का गाना तो मेरे को समझ भी नहीं आया, भाई को ये उम्र में बच्चा खिलाना चाहिए तो वो खुद पोएम पढ़ रहे हैं उसमें अंदर। मतलब 57 की एज है, लग रहा नहीं भाई बंदा उसके अंदर। तीनों भी लुक में, बियर्ड लुक उसके लॉन्ग हेयर में और जो क्लीन शेव एंडिंग में, और बाकी के अदर कास्ट में अगर मैं बोलूँ तो यार जगपति बाबू और वेंकटेश या ऑसम है दोनों भी। मतलब साउथ का एक लुकआउट भाई ने, तो भाई को देखो हर एक मतलब हर एक कास्ट को वो लेते ही लेते, हर एक कास्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने हर एक चीज़ को लिया है। देन भूमिका चावला, सतीश कौशिक और बाकी के जितने भी अदर कास्ट हैं, जैसे गिल और सिद्धार्थ निगम, उन लोगों का भी काम ओके, इतना नहीं है हाई लेकिन ओके। जिस तरीके से सर उनके एक्शन की काफ़ी तारीफ हो रही है, क्या लगता है एक्शन आपके हिसाब से कैसे लग रहा है? ये फरासम जी का डायरेक्शन बहुत कम है, ये भाई का डायरेक्शन ज़्यादा है, क्यों ना मैंने फिल्म में एक झलक फरासम जी की भी है, थोड़ा सा आया और खाली फोटो खींच के चले गए। तो ओवरऑल अब देखना चाहिए कि अभी हमको तो इन्जॉयमेंट होगी, अब बाकी के भी इतने लोग हैं
अब बाकी लोगों को क्या खरी उतरती है? देखो यार, डायलॉग्स अगर मैं बोलूँ ना तो उतना मतलब मज़ा नहीं आएगा। ब्रिंग इट ऑन, ये तो यार है ही यार। मतलब मैं तो हेटर्स के लिए बोलता हूँ, सो ब्रिंग इट ऑन थिएटर्स, क्योंकि जो हेटर्स है ना वो नेवर गो ऑन थिएटर्स, वो आते नहीं, वो खाली पीठ पीछे बकबक कर दे। बकबक कम करो, यहाँ आके देख लो भाई। तो डायलॉग के बारे में बात करते, कौन सा सर का एक सलमान सर का डायलॉग है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा उसके अंदर, जब वो बोलते हैं ना गुंडा मनीनी से पहले आता है गुंडा और फिर एक एंग्री रिएक्शन में बोलते हैं गुंडा, तो बहुत मज़ा आता है भाई वहाँ पे। मतलब बालकनी से लेके स्टॉल तक का भाई पब्लिक जो शाउटिंग कर रही है ना, पूछो मतलब सतीश कौशिक की एंट्री पे जो शाउट हुआ है आज, भला कि वो आज है ही नहीं हमारे बीच में, लेकिन यार एकदम लेजेंडरी डायरेक्टर यार। ओके पूजा हेगड़े कहीं कहीं बहुत ओवर एक्टिंग लगी, क्योंकि उसने राधे श्याम उसकी जितनी भी पिक्चर, सर्कस देख लो आप यार, सर्कस देखो कैसी तरी है ना। मतलब पूजा का थोड़ा काम ना ओवर लगा मेरे को, मतलब कहीं कहीं पे मतलब जैसे क्या उसको मुँह में अखरोट अटक गया अंदर शाहरुख खान ओवरऑल, लेकिन ठीक है काम फिर भी ओके। बाकी की तीन लड़कियां और है, वैशाली भटनागर है और भी पलक तिवारी, श्वेता तिवारी की बेटी, और फिर शहनाज गिल, शादा कुट्टक, टॉमी, मतलब है सबका काम अच्छा है, और वो तीन लड़कों का भी काम अच्छा है। सिद्धार्थ निगम, मैं तो उसका फ़ैन हूँ यार। देखो मेरे को नहीं लगता, मैं क्या सीन अच्छा लगा ना, मतलब ख़राब लगा मेरे को उसमें कि वो जो शबीना खान जो कोरियोग्राफर है जिनने राधे में गाना तुझे दिल दे दिया उसमें उनने कोरियोग्राफी किया था, अच्छा किया था, बट यहाँ पे उसने भाई को ये वाला जो सीन दे दिया ना, ये वाला मेरे को समझ भी नहीं आया, मतलब अंडरवेयर अटक गई थी। देखो अभी अगर पसंद नहीं आती, कल का रिव्यू भी हमने देखा था, हालांकि कल आखिरी रोज़ा था इसलिए हम लोग आए नहीं, बट अगर पसंद नहीं होती तो ये हाल नहीं होता भाई की। ट्यूबलाइट जैसी मूवी, रेस थ्री जैसी मूवी, अरे चल रही है तो भाई ये तो उससे लाख गुना अच्छी है। मतलब ऑडियंस ने ट्यूबलाइट हजम कर ली, रेस थ्री हजम कर ली, तो ये तो उससे लाख गुना अच्छी है भाई। अरे राधे हजम कर ली थी भाई, राधे में पता नहीं कितने लोग आधे हो गएंगे जी फाइव पे देख के। मैं क्या बोलूँ, बस इतना बोलूंगा ब्रिंग इट ऑन एंड बिल्ली बिल्ली। थैंक यू सर।